पप्पू यादव का क्या होगा? क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? बड़ा एक उनको लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूर्णिया में भी और बिहार की राजनीति में भी। दरअसल अगर पप्पू यादव के अगले कदम पर नजर डालें तो पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि वो 2 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, पूर्णिया से वो अपना नामांकन करेंगे। लेकिन सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर किस सिंबल पर, किस पार्टी से वो नामांकन करेंगे। फिलहाल पप्पू यादव तो कांग्रेस में है, लेकिन पूर्णिया सीट चली गई है आरजेडी के पास और आरजेडी से की वहां से उम्मीदवार है बीमा भारती। लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव कह रहे कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, पूर्णिया से ही लड़ेंगे। जब थोड़ा उनसे सवाल पूछा जाता है कैसे लड़ेंगे वहां से, तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कहते हैं कि मैं तो नामांकन फाइल करूंगा, नामांकन दायर करूंगा, कांग्रेस का झंडा मेरे हाथ में होगा, ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये साफ नहीं किया उन्होंने। ऐसे में खबर आई थी कि 2 तारीख को पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि वो नामांकन करेंगे पूर्णिया से, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के कह दिया कि नहीं भाई, 2 तारीख को अब नामांकन नहीं करूंगा, नामांकन 4 तारीख को करूंगा। अब 4 तारीख जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है, तो अब वो आखिरी जो दिन है नामांकन करने का, खासकर पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण के चुनाव के लिए, उसमें वो अपना नामांकन करेंगे, ये उन्होंने घोषणा की है। और फिर उन्होंने वक्त दिया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कि आप सोचिए, विचार कीजिए, अपने जो उम्मीदवार हैं आपके बीमा भारती उसका नाम वापस लीजिए, आरजेडी वो कुर्सी छोड़े, यानी कि वो सीट छोड़े और फिर कांग्रेस को वो सीट दी जाए ताकि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ पाए। यानी कि 2 दिन का और कहें तो 2 दिन की मोहलत और उन्होंने आरजेडी को दे दी है, लालू प्रसाद को दे दी है कि वो सोच विचार करके बीमा भारती का नाम वापस ले लें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लालू करने वाले हैं, क्योंकि लालू की जो राजनीति रही है बिल्कुल स्पष्ट रही है और लालू मुझे नहीं लगता है कि वो नाम वापस लेंगे किसी भी कीमत पर, और कांग्रेस को सीट जाएगी। और पप्पू यादव के लिए दरअसल एक विकल्प और भी था कि वो मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं या सुपौल से चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि कोसी का इलाका है और उन्हीं का एक कह सकते हैं क्षेत्र भी है। लेकिन सीट शेयरिंग जो हुई है ना महागठबंधन में, उसमें मधेपुरा सीट भी चली गई है आरजेडी के पास और सुपौल सीट भी चला गया है आरजेडी के पास, तो ऐसे में अब पप्पू यादव के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प बचा हुआ नहीं है। तो जो विकल्प उनके सामने नजर आ रहा है वो ये है कि वो या तो कांग्रेस से इस्तीफा दें या कांग्रेस उनको निकाल दे, अभी हाल में ही 10-12 दिन पहले ही वो ज्वाइन किए थे, और निर्दलीय वो चुनाव लड़ें। मुझे लगता है ये एक मात्र विकल्प जो है इस वक्त पप्पू यादव के पास है। हालांकि पप्पू यादव से हमारी बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है, यानी कि वो कांग्रेस के टिकट पर ही नामांकन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और फिर एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। वहां पे संतोष कुशवाहा जेडीयू से हैं ही, बीमा भारती भी उतरेंगी आरजेडी से, पप्पू यादव कहते हैं मैं भी उतर जाऊंगा कांग्रेस से, क्या बुराई है, एक फ्रेंडली फाइट हो जाएगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। तो ये अब संभव होगा नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्या कांग्रेस भी इसके लिए तैयार होगी कि लालू प्रसाद को नाराज करके अपना उम्मीदवार उतार दे वो पूर्णिया में। तो पप्पू यादव इस वक्त दरअसल एक चुनावी भंवर, जिससे कह सकते हैं भंवर में फंस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। लालू की राजनीति ऐसी रही है कि उन्होंने पप्पू यादव के लिए जो तमाम दरवाजे हैं ऐसा लगता है चुनाव लड़ने के, वो बंद कर दिए हैं। पूर्णिया में लड़ नहीं सकते हैं, बीमा भारती वहाँ उम्मीदवार हैं, मधेपुरा और सुपौल की सीट चली गई है इनके पास आरजेडी के पास ही। तो ऐसे में अब पप्पू यादव क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि जनता मुझे जाने नहीं दे रही है, जनता पूर्णिया की जो है वो मुझे पकड़ के रखी हुई है, रोक के रखी हुई है, मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे चाहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बातें पप्पू यादव कह रहे हैं, लेकिन ये तो भावनात्मक बातें हैं, चुनाव भावनाओं के साथ तो ऐसे नहीं लड़ा जाता है। लेकिन चलिए भावनात्मक बातें कर रहे हैं कि पूर्णिया की जनता उनको चाहती है कि चुनाव लड़ें, तो वो जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब पप्पू यादव क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है और नज़र सबकी है पूर्णिया सीट पर ही कि आखिर पप्पू यादव की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।